Hello, Assalamu Alaikum guys. My name is Ubaidul Arif and I am from Sargodha. I am here to guide you about NUS business test, NET for business. So, I am scored 152, my aggregate was 79.5 something and I have a sufficient merit for every field, but I have chosen public administration. Now I am doing BS in public administration from NUST S3H. So, if we talk about NET, NUST business test, NUST business test is a kind of difficult test, but by practicing more and more we can make it easy. As there is no negative marking, so you have to attempt all the MCQs. Rather than making a wild guess, just use the eliminating technique. This will be a better option rather than making a wild guess. So first of all, I will give you a format of NET. There are three portions: English, Mathematics and Intelligence. 80 MCQs are for English, 80 MCQs are for Mathematics and 40 are for Intelligence. Every MCQ consists of a single mark. There is no negative marking as I have discussed earlier. So, first of all, I will talk about Math. Math ke liye highly recommended books, my brothers and sisters, OETP. OETP mein aapke paas 8 to 9 topics hain. 8 to 9 topics वो highly recommended topics हैं. उसके first 3-4 topics उसमें से 60 MCQs आपके आ जाते हैं, उसमें से as real MCQs repeat होते हैं. OETP is highly recommended book for NET. NET business test, NET business OETP is the highly recommended book. वो आपको twice से thrice दफा math और intelligence दोनों की ना, तो English की तो as such वो मैं आपको बताता हूँ English की किस तरह तैयारी करनी है, लेकिन math और intelligence OETP is the best, highly recommended book for. So math में basically जो topics होते हैं algebra, factorization, trigonometry, ये सारे topics होते हैं, probability and these all topics, वो आपने जो OETP में given है, सिर्फ आप OETP के practice question कर लें 2 to 3 times, आपके fingertips में होने चाहिए, math आपकी इधर से cover हो जाती है. सही है, OETP basically covers about 80 to 85% of I think 70 to 80%, yeah, 70 to 80% of जो बाकी 10 to 20% हो जाता है वो आपको इन्हीं ग्रुप से मटेरियल जो मिलेगा उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा. और जो OETP से आप प्रैक्टिस करेंगे ये सारे MCQs, इनको आप ट्वाइस से थ्राइस, और इनका मेथड आपने देखना है. और ट्वाइस से थ्राइस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहां पे 200 MCQs के लिए आपके लिए 180 minutes है. And exactly 54 seconds are given for solving of a single MCQ. So, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप 54 सेकेंड में जितना भी क्वेश्चन हो आप उसको कंप्लीट करें. ट्रिग्नोमेट्री का और ये प्रोबेबिलिटी और इनका इतना मसला नहीं है, ये सारी जो इक्वेशन होती है उनका मसला आता है. अलजबरा जब आप करते हैं उनमें ज्यादा टाइम लगता है, वो ज्यादा टाइम टेकेंगे, तो आपकी उसकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हो फार्मूलाज की, आपको फार्मूलाज जो फार्मूलाज शीट होती है 2 OETP की, वो उनमें से फॉर रियल फार्मूला रिपीट हो जाता है, तो वो भी आपने फुल रट्टा वगैरह लगा के जाना उन फार्मूलाज का. बाकी सबका तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी. तो मैथ के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप OETP करें और OETP को अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि आप मैथ पे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा MCQ हल कर लें. और ग्रुप्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा. ग्रुप्स ज्वाइन करने से ऐसा होता है कि आप जो न्यू मटेरियल से आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जरा प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और आप फुल भी कवर कर लेंगे. सेकेंडली, अगर आप इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस में 5 topics होते हैं: सीक्वेंस एंड सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रीजनिंग एंड डायरेक्शन सेंस, एंड वन मोर टॉपिक देयर इज ऑड वन आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके लिए भी OETP में सारी MCQs गिवन है. सीक्वेंस एंड सीरीज OETP में 70 to 80 MCQs OETP में गिवन है. अगर वो आप कवर कर लें तो सीक्वेंस एंड सीरीज आपकी इजीली कवर हो जाएगी, उसके लिए कोई आपको मटेरियल और करने की कोई नीड नहीं है, कोई एसेंशियल नहीं है. तो सेकेंडली, आप ओड वन आउट भी आप OETP से कर लें, आपको एक तरीका हो जाएगा करने का, आ जाएगा तो वो भी फिट हो जाएगा OETP से. तो बाकी नंबर एंड रीजनिंग OETP से थोड़ा सा आइडिया ले लें. नंबर एंड रीजनिंग सच टॉपिक है कि 2 to 3 आई थिंक 5 MCQs आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आते नंबर एंड रीजनिंग में. और डायरेक्शन सेंस इज वन ऑफ द टॉपिक के वो OETP में बहुत ज्यादा उसका डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं है, वो इजी टॉपिक दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको फर्दर ग्रुप्स में ही कंसल्ट करना पड़ेगा. उसके लिए आप डायरेक्शन सेंस में ऐसा होता है कि एनईटी में, एनईटी की जो OETP की बुक है वो
उसमें इजी है, डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं है, तो आपने कंसल्ट करना ग्रुप में, उसमें आपको जो जो एनईटी में क्वेश्चंस आते हैं वो डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है, उस तरह के क्वेश्चन आपको ग्रुप्स में मिलेंगे, तो काइंडली वो कंसल्ट उधर से कीजिएगा। ओईटीपी से जरा तरीका सीख लीजिएगा और बाकी आपने प्रैक्टिस जरा इसकी हाई कीजिएगा, क्योंकि एनईटी में बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग आते हैं। बाकी इंटेलिजेंस में भी आपको ओईटीपी हाईली रिकमेंडेड है, बस डायरेक्शन सेंस का थोड़ा सा मसला है, बाकी ओड वन आउट कोडिंग डिकोडिंग सारी ओईटीपी से कवर हो जाएगी, वो आप ओईटीपी से करें एंड इंटेलिजेंस आपकी कवर हो जाएगी। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक देर इज इंग्लिश। ओए लेवल स्टूडेंट आई डिड नॉट नो अबाउट देम, मैं एफएससी का स्टूडेंट हूं तो मुझे तो इंग्लिश बहुत बहुत मसला करती थी मेरे लिए, तो इन फर्स्ट एनईटी आई हैव नॉट डन वेल, और इन सेकंड एंड इन थर्ड एनईटी आई थिंक मेरे वाइल्ड गेसेस काम आ गए। सो इंग्लिश के लिए सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ओईटीपी से जब आप इंग्लिश, क्योंकि सारे कहते हैं, कोई कहते हैं सेट फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट कर लो, कोई कहते हैं इधर से वर्ड सिनोनिम्स कर लो तो हो जाएंगे, सर आई हैव आल्सो डन ऑल दिस एंड मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, लिटरली मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, एक वर्ड भी नहीं आया। सो इसमें रिकमेंडेड आपको क्या है कि आपने ओईटीपी से तरीका देख लेना भाई, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, जैसे कि एनोलॉजीज क्या होती है, एनोलॉजीज को किस तरह सॉल्व करना है, कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ है उसकी प्रैक्टिस किस तरह करनी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा 10 to 15 कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड अदर देन दीज जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के वो सारे उधर गिवन होंगे, वो सारे आपने देख लेने के वो करने किस तरह है, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, वो आते इसी तरह है पर सारे क्वेश्चन और होते हैं। तो इंग्लिश के लिए रिकमेंड ये है कि जब आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जब एनईटी स्टार्ट होते हैं तो जो रिपीटेड वर्ड्स हैं उनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, कि ये जो आपके टेस्ट में आए, मतलब कि बच्चों के जब टेस्ट स्टार्ट होते हैं, आपका टेस्ट स्टार्ट होने हैं 10 को, आपका 15 को है, तो जो 5 दिन में टेस्ट होने हैं वो ग्रुप्स में वो वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स वर्ड सिनोनिम इज द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंग्लिश। इंग्लिश में वर्ड सिनोनिम जो है वो बहुत ज्यादा तंग करते हैं, बाकी कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ और प्रेपोजिशन एंड एनोलॉजीज बंदे को थोड़ा आइडिया हो जाता है, पर सिनोनिम जो होते हैं वो इतना आइडिया नहीं होता। सो इंग्लिश का मैं यही कहूंगा कि जरा बच के और इंग्लिश में जरा आप इन्हीं सिनोनिम्स पे थोड़ा वर्क करें तो इंग्लिश भी आपकी इंशाल्लाह अच्छी करेगी। और मैथ और इंटेलिजेंस, एफएससी स्टूडेंट्स, मैथ और इंटेलिजेंस आपकी, आपको 120 में से 115 मार्क्स इसमें लेने चाहिए, इसीलिए आपके आगे एडमिशन के चांसेस होंगे, क्योंकि 150 प्लस स्कोर करना है। और जहां तक ये तो होगी प्रिपरेशन के लिहाज से, अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व डेट पोर्शन इन विच यू हैव मच कॉम्पिटेंसी। अगर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा मैथ में है, क्योंकि एफएससी के स्टूडेंट को मैथ आती है और ओए लेवल जिन्होंने ये टॉपिक्स उठाए हुए होते हैं इनके कवर होते हैं, तो वो भी कर लें, जो कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा है ना, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले मैथ करें, क्योंकि मैंने सबसे पहले मैथ किया था। मैथ के बाद आप इंटेलिजेंस करें, जब ये दोनों आपके कवर हो जाएं और फिर उसके बाद आप क्या नाम है इंग्लिश करें, और इंग्लिश में यू हैव टू ओनली गिव द गैसेस, सो उसमें आपने गैसेस देने होते हैं तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो मसला आता है मैथ और इंटेलिजेंस का, और जो मैथ में जो भी आपके एमसीक्यूज होने हैं उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज होते हैं, आपने उस पर टाइम नहीं जाया करना, टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपने किसी भी एमसीक्यू पे टाइम जाया किया, उसको छोड़ो, रिव्यू में डालो, देर इज अ ऑप्शन इन एन एनईटी। अगर आप एनईटी पहले दे चुके हैं तो आपको पता होगा ऑप्शन होता है एनईटी में, आपने जो आपको नहीं आ रहा उसका गैस लगा के आपने रिव्यू में डाल देना, ताकि जब आप सॉल्व करोगे एंड पे जितने क्या नाम है एमसीक्यू 10 to 15 अगर आपको नहीं आते, वो आपने रिव्यू में डाले हुए मैथ में इंटेलिजेंस में जो नहीं आते, आपने टाइम नहीं जाया करना, आपने फर्स्ट प्रियोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपने टेस्ट कंप्लीट करना है, फिर जितने भी आपके आपके पास 5 मिनट्स बचे 10 मिनट्स बचे आपने यू हैव टू ओपन द रिव्यू फोल्डर एंड यू कैन कंप्लीट डेट ऑल, वहां पे आपके पास टाइम होगा। वी टॉक अबाउट एग्रीगेट, 10% इज फ्रॉम मैट्रिक, 15% इज फ्रॉम एफएससी एंड 75% इज फॉर एनईटी। सो द वन हु हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल इन एफएससी और मैट्रिक कैन डू मच बेटर इन एनईटी फॉर ग्रांटिंग ऑफ एडमिशन इन नस्ट इन S3 एस्पेशली NVS। सो एग्रीगेट इज, इफ यू टॉक अबाउट एग्रीगेट, तो एग्रीगेट हर साल डिफ्रेंशिएट करता रहता है, तो आई थिंक अगर आप 76 अबव लें
तो 76 अबव लें तो आप S3H में आ सकते हैं। तो NBS के लिए आपको फर्दर जाना पड़ेगा 79 to 80। तो 76 प्लस लें तो आपका मैथ्स कॉम और साइकोलॉजी इधर आपको सेफ कर जाते हैं। सो डेट्स ऑल गाइज, और वो फॉलो अप दिस चैनल एज माई ब्रो हैज गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई व्यूज। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड मेक श्योर टू फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड फॉलो माई ब्रोस चैनल। अल्लाह हाफिज़।